छह देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर 3x टेन एक्स डी एक्स, यही ना दिया है। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर लेता हूँ और फिर इंटू में एक सेक एक्स टेन एक्स लिखता हूँ। अब सोच रहे होगा कि सर ऐसा क्यों किया, हम लोग की बुद्धि काम नहीं करेगी। अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स को रखता और टेन एक्स को टी मानता तो एक से एक बच जाता ना, है ना। लेकिन हम लोग अगर सेक एक्स को टी मानेंगे तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें गड़बड़ हो गया। यहाँ पे मैं सेक एक्स को टी पुट कर रहा हूँ क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, समझ रहे हैं ना बात को, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स, यानी कि आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, इसीलिए मैंने सेक एक्स को टी माना। यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी, क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ दो और पावर को नीचे उतार, टी का वैल्यू सेक एक्स है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक क्यूब एक्स बाई थ्री प्लस टी, यहाँ से यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर।